हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज जयपुर के राजपार्क स्थित सूरज मैदान से राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। शक्ति केंद्र सम्मेलन में शाह ने एक घंटे से ज्यादा समय तक शक्ति केंद्र कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शाह ने अपने भाषण में जमकर कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन शाह के भाषण से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और राफेल जैसे मुद्दे गायब रहे। शाह ने कहा शक्ति केंद्र कार्यकर्ताओं को कि चुनावी साल है, आपकी आवाज मोदी तक जानी चाहिए। भाजपा 2014 से लगातार जीत दर्ज कर रही है। भाजपा कार्यकर्ता जब ठान लेता है तो भाजपा को हराना असंभव ही नहीं नामुमकिन है। शाह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता है। 2014 में देश की जनता ने अभूतपूर्व फैसला किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संगठन को जोड़ने की यात्रा शुरू की। हमने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में पहली बार भाजपा की सरकार बनाई। शाह ने राजस्थान में 2 महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर शक्ति केंद्र कार्यकर्ताओं में जोश फूका। शाह ने कहा कि ये किसका चुनाव है, किसी विधायक का, किसी व्यक्ति का, किसी नेता का? ये चुनाव भारत माता का चुनाव है। सिर्फ भारत माता को जिताना है और चुनाव की तैयारियों में जुटना है और ना दाएं देखना है ना बाएं। ये महाराणा प्रताप की भूमि है और यहाँ बूथ बूथ पर पार्टी पहुंची है। शाह ने कहा कि राजस्थान की सरकार अंगद का पैर है जिसे कोई नहीं उखाड़ सकता और यहाँ भाजपा को हराना आसान नहीं है। शाह ने अपने भाषण में जितनी बार भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिया, उन्होंने राहुल गांधी को राहुल बाबा के नाम से संबोधित किया। कहा कि राहुल बाबा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस का नेता आखिर है कौन, कार्यक्रम क्या है, कांग्रेस की नीतियां क्या हैं? ये बात घर घर पहुंचानी है। शाह ने कहा कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं और हमारा मार्ग स्पष्ट है। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।